गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर फोर्थ। इसमें हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में रीड करेंगे। केमिकल सब्सटेंस है जो एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं, जैसे कि गोल्ड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब केमिकल सब्सटेंसेस हैं। और एटम्स क्या हैं? एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइन करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन एक एटम है, जब ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन कंबाइन करती है तो बनता है ऑक्सीजन गैस, जो कि मॉलिक्यूल है। एटम्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट है, केमिकल सब्सटेंसेस को फर्दर टू मेजर ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस है जो, ये ऐसे सब्सटेंस है जो एक ही काइंड के एटम से या मॉलिक्यूल से बनते हैं, जैसे एल्युमिनियम, फॉयल, गोल्ड एक्सेट्रा। इसको फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो एलिमेंट हैं जो एक ही काइंड के एटम से बनते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन एक्सेट्रा। और जो कंपाउंड्स हैं, ये दो या दो से ज़्यादा एटम जब केमिकली कंबाइन करते हैं तब बनता है। जैसे वाटर बेस्ट एग्जांपल है कंपाउंड की। इसमें हाइड्रोजन जब केमिकली कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो बन जाता है H2O, जिसे वाटर बोलते हैं। एलिमेंट्स को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत से एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटालॉइड्स। ये हम हायर क्लासेस में रीड करेंगे। ठीक है जी, थैंक।